नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 में हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा है और हम अपनी जो सरयू पाठ्यपुस्तक है उसके पद्य खंड का जो दूसरा पाठ है गोस्वामी तुलसीदास आज वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम पूर्व में हिंदी अनिवार्य की कक्षा में भी कर चुके हैं, तो उसी वीडियो को आप दोबारा देखें और उनके जीवन परिचय को अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र में जीवन परिचय का एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जो बहुत ही पावन पवित्र ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो आज भारत के हर एक घर में देवालय में जो स्थान बना चुका है वो पावन ग्रंथ, उस ग्रंथ में से मंदोदरी की रावण को सीख, मंदोदरी अपने पति रावण को जो सीख देती है उस सीख का वर्णन सुंदरकांड और लंकाकांड के कुछ प्रसंगों को यहाँ पर संकलित किया गया है और उसे बताया गया है। प्यारे बच्चों, पाठ परिचय के रूप में हम सर्वप्रथम देखें तो श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का शास्त्र कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन है। क्या कि परिवार का प्रेम मर्यादा में कैसे रहना है और राष्ट्र के प्रति भी हमारे क्या मानवीय दायित्व होते हैं, उन दायित्वों को उन जीवन मूल्यों को रामचरितमानस में बताया गया है और उसी का एक हिस्सा मंदोदरी की रावण को सीख हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित किया गया है। प्रस्तुत अंश कविता श्री रामचरितमानस का अंश है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात पर ब्रह्म हैं तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। ये बात हम इस प्रसंग में जानेंगे। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशिचर वंश का नाश होगा, कि जो रावण ने सीता का बिना किसी कारण के अपहरण कर लिया और उसके कारण हमारे वंश कौन से राक्षस वंश का क्या होगा, नाश होने वाला है। अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। मैं तन्या मंदोदरी राज महिषी होकर भी नीति विशारद बहुश्रुता दूरदर्शी विवेकशील वेद विदुषा विदुषी और वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है, जो अपने पति के कदाचार हिंसा और युद्धोन्माद का समय समय पर विरोध करती है। मंदोदरी कौन है? रावण की पत्नी है और राजमहिषी राजरानी है और वह नीति विशारद नीति की ज्ञाता हैं, बहुत श्रुता सुनने वाली हैं और दूरदृष्टि उनकी है, विवेकशील है, वेदों की वो विद्या वेद विद्या विदुषी है, वेदों की वो ज्ञाता है और क्रांतिकारी है, जिसने अपने पति को सही मार्ग पर लाने के अपने तरफ से अनेकों प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों को हम यहाँ पर मंदोदरी की रावण को सीख में देखेंगे। जो अपने पति के कदाचरण जो उसने बुरा आचरण किया है, पराई स्त्री को हर के लाया है, जो हिंसा होती है, जो युद्ध होते हैं, जो युद्धों का उन्माद है, उसका समय समय पर क्या करती है, वो विरोध करती है और वह समझाती है कि आप सीता को राम को पुनः लौटा दो और अपना भला चालो, इस वंश को बचा लो। रूपवती साम्राज्ञी और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है, जो मोहमाया के मध्य भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती रहती है। बहुत ही रूपवती है, सुंदरी है और साम्राज्ञी है, माने वह राजरानी है, लंका की राजरानी है और भक्ति की प्रखर चेतना बताई गई है कि उस मोहमाया के जाल में उस सुंदर लंका नगरी में रहकर भी वह क्या है, उस परम सत्ता परमात्मा जो भगवान है, ईश्वर है, राम जो है, विष्णु का अवतार, उस बात को वो जानती है और वो बताने का प्रयास करती है। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निहरी अबला और पद दलित नहीं है, माने तुलसीदास जी ने नारी का जो महत्व वो यहाँ पर बताया कि वह समाज की निरही अबला और पद दलित वह हमेशा कमजोर नहीं है, वह सबल है। कहते हैं कि अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के प्रकाश स्तंभ है। क्या कि वह रावण और बाली जैसे जो राक्षस थे उनके लिए प्रकाश का स्तंभ है कौन, मंदोदरी जैसी रानियां। मंदोदरी जैसी पतिव्रता सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश काल परिस्थिति और समाज में विद्यमान रही हैं, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पुरुषत्व के दंभ में एक स्त्री और अपने पत्नी के प्रबोधन को ही तिरस्कृत कर देता है। क्या कि नारियां ऐसी हर समय हर काल हर परिस्थितियों में एक न एक नारी हमें जरूर मिलेगी जो प्रतिवर्ता होगी, सत्यनिष्ठ होगी, सुशील होगी, जो विवेकशील होगी, जो क्रांतिकारी होगी, जो वेदों की ज्ञाता होगी, जो विदुषी होगी। ऐसी स्त्री हमें मिलती है, वो किसी भी रूप में मिल सकती है, माँ, बहन
और पत्नी के रूप में। परंतु जो पुरुष है वह अहंकारी होता है, अपने पुरुषत्व के अभिमान के कारण, गर्व के कारण, अहंकार के कारण उस स्त्री का क्या करता है, तिरस्कार करता है। और अंत में क्या होता है, रावण जैसा विराट पुरुष भी, ज्ञाता पुरुष भी क्या हो जाता है, विनाश को प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसी प्रसंग को लेकर के यहाँ पर जो मंदोदरी की जो पतिव्रता है, सत्यनिष्ठा है, उसको बताने का यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रयास किया है कि वह कितना प्रयास करती है अपने पति को बचाने का। परंतु हम सबको ज्ञात है रावण अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। रावण जैसा ज्ञाता इस संसार में कोई नहीं, उसकी जैसा राज्य करने वाला कोई नहीं है। परंतु अपने एक अहंकार के कारण, दंभ के कारण वह क्या है, इस संसार से है विदा हो जाता है। और इस तरह विदा होता है कि हम उसे उसके हम पुतले जलाते हैं। रावण की मृत्यु हर वर्ष मनाते हैं हम लोग, और हर वर्ष उसके पुतले जलाए जाते हैं। किस कारण? सिर्फ अहंकार के कारण। प्यारे बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं हमारा मंदोदरी की रावण को सीख। प्यारे बच्चों, यह वाला जो हिस्सा है, जो पहले वाला चौपाइयाँ और दोहा, यह सुंदरकांड में से लिया गया है। और यह जो आगे का हिस्सा है, ये लगातार लंका कांड से चलेगा। काहे कंत करश हरिसन परिहरऊ, मोर कहा अतिहित ये धरऊ, क्या समुझत जास दूत कई करनी, स्रवई गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबो कंत जो चहेऊ भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित नह तुम्हार शुंभु अजकीने, राम बान अहि गण सरीस निकर निशाचर भेख, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करो तजे टेक। यहाँ पर जब मंदोदरी को पता चलता है कि राम जी का दूत हनुमान इस नगरी में आया है, और उसने संपूर्ण नगरी को क्या कर दिया है, आग के हवाले कर दिया, लंका का दहन कर दिया। जब उसे इस बात का पता चल जाता है, वह देखती है, तब वह अपने पति रावण को समझाने का कार्य करती है और कहती है, कंत करश हरिसन परिहरो, कंत स्वामी पति, करश मैंने हम कहते हैं विरोध करना, हरिसन परिहरो, क्या हे स्वामी आप क्या करें उस हरि भगवान का, जो विरोध करने का जो है, मैंने जो उनसे शत्रुता है उसका क्या करें, त्याग कर दे, मोर कहा अतिहित ही धरो, और मोर का मेरे कही हुई बात को आप हृदय में धारण करें। हृदय में किस लिए धारण करनी है, क्योंकि वो जो राम है वो एक सामान्य राम नहीं है, बल्कि वह राम ईश्वर का अवतार है, और उस ईश्वर के अवतार से हमें किसी भी प्रकार से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो समझाती है। और क्या कहती है, वो कहती है कि समुझत जास दूत कई करनी, आप समझें जिनका दूत कौन हनुमान आया था और जिसने लंका दहन कर दी, जास दूत कई करनी, क्या आप देखें उनका एक दूत हनुमान आया था और उसने क्या करनी, क्या कार्य किए, उसने संपूर्ण लंका का क्या कर दिया, दहन कर दिया, स्त्रवही गर्भ रजनी चर घर ने, और उस घटना को देख करके, और अब भी क्या करते हैं राक्षस वंश की जो स्त्रियां, जब उनको वो घटना याद आती है उस रावण हनुमान द्वारा क्या लंका का दहन करने की, स्त्रवही नष्ट हो जाते हैं गर्भ, गर्भ में रजनी चर मैंने राक्षसों के, क्या उनके गर्नी मैंने उनके पत्नी, राक्षसों की जो स्त्रियाँ हैं, जो पत्नियाँ हैं, उनके गर्भ में ही क्या हैं, उनके गर्भ नष्ट हो जाते हैं, अर्थात बच्चे जन्म लेने से पूर्व भी मर जाते हैं। कब? जब वे उस दूत की करनी को देखते हैं, हनुमान द्वारा जो लंका दहन किया गया है, उस लंका दहन के करने को लेकर के क्या है, जब घटना याद आती है तो राक्षसों की जो पत्नियों के जो गर्भ में पलने वाले बच्चे हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवो कंत जो चेव बुलाऊ, तासु नारी उनकी नारी को निज सचिव अपने मंत्री को बुलाइए, क्या कि आप अपने मंत्री को बुला करके जो उनकी पत्नी जो सीता है उनको क्या करो, पठवो कंत जो चेव बुलाऊ, पठवो आप भेज दीजिए कंत मैंने स्वामी जो चेव बुलाऊ, अगर आप अपनी क्या करना चाहते हो, भलाई चाहते हो, हे स्वामी अगर आप अपना उपकार चाहते हो, भला करना चाहते हो, तो आप उनकी पत्नी को अपने सचिव के साथ अर्थात मंत्री को बुला करके उनके पास भेज दीजिए, माने आप जो इस सीता का हरण करके लाए हो उस सीता को अपने मंत्री के साथ भिजवा दीजिए सम्मान आदर सहित, ताकि हमारा कुछ भला हो सके, हमारी राक्षस वंश का भला हो।
तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई। अब कहा है तब कुल, ये जो कुल मैंने कुल कौन सा वंश, राक्षस वंश है, कमल मैंने कमल के समान, विपिन मैंने वन, दुखदाई क्या, यह जो हमारा वंश है ये कमल के वन के समान है जो कि क्या है अब दुखदाई हुआ पड़ा है। सीता सीत निशा सम आई, सीता क्या है, सीत में शीत, निशा मैंने रात, क्या शीत ऋतु की रात्रि के समान हमारे जीवन में आई है, क्या कि जो हमारा वंश कमल के कुल के समान, हमारा वंश जो वंश है, जो परिवार है, वो क्या है कमल के वन के समान है, और जिसके लिए सीता रूपी शीत की रात्रि हमारे लिए क्या है ये अति दुखदाई है। क्यों, क्योंकि कमल के लिए जो शीत ऋतु की जो रात्रि होती है वह बहुत ही कठिन होती है, वह उसके प्रकोप को झेल नहीं पाता। उसी प्रकार सीता का जो प्रकोप है, मने सीता के कारण हमारा जो विनाश होने वाला है उसको हम नहीं झेल सकते, यह हमारे वंश के लिए क्या है अति दुखदाई है। आगे कहा सीता नाथ सुनो नाथ सीता बिनु दीने हित ने तुम्हार शंभु अजकीने, सुनो नाथ सीता बिनु दीने, सीता को दिए बिना क्या नहीं है, हित नहीं है, हमारा भला नहीं है, तुम्हारा शंभु अज कीने, शंभु मैंने शिव, अज मैंने ब्रह्मा, क्या कि जब तक आप सीता को वापस नहीं पहुंचा देते, सीता को नहीं लौटा देते, तो ध्यान रखना हमारा भला करने वाला शिव और ब्रह्मा भी नहीं है। भी अगर सीता हमारे पास है तो हमारे को भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा भी क्या नहीं कर सकते, हमें बचा नहीं सकते हैं। आगे दोहे में कहते हैं राम बाण अहिगण सरी निकर निशाचर बेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करो तजी टेक। राम बाण, राम जी के जो बाण है अहिगण सरी किसके समान, सर्प के समान है, मैंने सर्पों के समूह के समान है, कौन, राम जी के बाण, निकर मैंने समूह, निशाचर राक्षस, बेक मैंने मेंढक, क्या और वो हमारे राक्षस रूपी जो मेंढक है उनको ग्रसने का कार्य करने वाले हैं। जब लगी ग्रसत तब, जब लगी ग्रसत न तब लगी जत्रु करो तजी टेक, टेक का मतलब अभिमान है, अहंकार है, तजी मैंने त्याग दे, जत्र मैंने प्रयास करना, ग्रसत मैंने ग्रस लेना, मैंने उनको नष्ट करना, खा लेना, कि जो राम जी के वाण हैं वे सर्प के समूह के समान हैं, जो हमारे मेंढक रूपी जो राक्षसों का वंश है उसको नष्ट करने पर तुले हुए हैं, अर्थात उनको ग्रसने वाले हैं, और तब लगी तब तक आप क्या करें, जतन कर ले, मैंने प्रयत्न करें, कैसे प्रयत्न करें, तजी टेक, क्या अपने अभिमान को त्याग करके अपने इस वंश को बचाने का प्रयत्न करें। क्या कहने का मतलब है कि जो राम जी के वाण हैं वो सर्पों के समूह के समान हमारे राक्षस वंश रूपी जो मेंढक है उनको ग्रसने पे लगे हुए हैं, आप इनको बचाने का उपाय कीजिए, और वो उपाय आपको अपना अभिमान त्याग करके करना पड़ेगा। जब तक ये ग्रस नहीं लें उससे पूर्व में ही आप उपाय कर लें, जब इन्होंने ग्रस लिया उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, मैंने जब तक ये वंश बचा है तब तक आप उपाय कर सकते हो, जब ये राम के बाण क्या करेंगे इस संपूर्ण वंश का विनाश कर देंगे तब प्रयत्न करने पर हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इस प्रकार ये हमारा जो इतना प्रसंग था ये सुंदरकांड से लिया हुआ है, और अब जो हम पढ़ेंगे वह लंका कांड का प्रसंग है। लंका कांड के यहाँ से लंका कांड का प्रसंग प्रारंभ होता है, और इस यहाँ पर जो वर्णन है, जब मंदोदरी को पता चलता है कि राम समुद्र को पार करके अपनी विशाल सेना के साथ लंका नगरी में आ गए हैं, उस समय की बात है, और मंदोदरी क्या कहती है, मंदोदरी सुनो प्रभु आयो कोतु कही पाथो दि बधायो, क्या मंदोदरी सुनो, मंदोदरी ने सुना कि प्रभु आ गए, प्रभु मैंने राम आ गए हैं, कहाँ पर, इस लंका की नगरी में, कोतु कही मैंने खेल खेल में क्या क्या पाथो दि बधायो, मैंने समुद्र को उन्होंने बांध लिया, क्या कि उस विशाल समुद्र को पार करके, क्या करके पार करके जो राम जी है लंका नगरी में आ गए हैं, उस समुद्र को बांधने का जो कार्य है उन्होंने खेल खेल में ही कर लिया, संपूर्ण वानरों के समूह ने उस समुद्र पर एक सेतु का निर्माण किया, और सेतु को पार कर से इस समुद्र को उन्होंने पार करके लंका नगरी में प्रवेश कर लिया है। तब भी मंदोदरी सोचती है क्या पता उनका पति मान जाए,
और उसी का वह प्रयास करती हैं। क्या करती है, कर गई पति भवन निज आनी, क्या करती हैं, कर हाथ पकड़ करके अपने अपने पति को अपने निज भवन, अपने निज अपने स्वयं के भवन में लेकर के आती है। क्या कि जब मंदोदरी को पता चलता है कि राम जी अपनी सेना के साथ लंका आ गए हैं और उन्होंने खेल खेल में समुद्र को बांध लिया है, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तब मंदोदरी अपने पति का हाथ पकड़ करके अपने स्वयं के भवन में लेकर के आती है। बोली परम मनोहर वाणी और बहुत ही क्या है, मन को हरण करने वाली वह वाणी के अंदर अपने पति रावण को समझाने का प्रयास करती है। क्या कहती है वो, चरण आई सिर अंचलु रोपा, और सिर्फ बोलती है क्या, चरण आई अपने चरणों को क्या करती है, चरण आई सिरु चरणों को, सिर को चरणों में नवाती है, अचलु रोपा और अपने आंचल को फैलाती है। क्या कि परम मनोहर सुंदर मनोहर वाणी में, मन को हरण करने वाली वाली वाणी में रावण के चरणों को क्या करती है, स्पर्श कर अपने सिर को नवाती है, मन प्रणाम करती हैं और अपने आंचल को फैलाती है। सुनी सुनहु वचन प्रिय परिहरि कोपा, सुनो हे प्रिय आप मेरे वचनों को सुने, क्या करें, परिहरि कोपा, कोपा मैंने क्रोध, परिहरि मैंने परिहार करे, त्याग दे, हे प्रिय आप मेरे वचनों को ध्यान से सुने कि आप क्रोध का त्याग कर दीजिए। नाथ बयो किज ताही सो, नाथ बयो मैंने वैर करना शत्रुता करना, कीजे ताही सो उससे ही करने चाहिए, हे नाथ आप क्रोध का परित्याग करें और शत्रुता जो वैर है उसी से करना चाहिए। किससे कहा है, बुद्धि बल सकिए जीते जाही सो, जिसको बुद्धि और बल से क्या कर सके, हम जीते जा सके, माने जिसको हम बुद्धि और बल के माध्यम से जिस व्यक्ति को हम जीत सकते हैं, हमारा सामर्थ्य उससे अधिक है, हमें उसी से ही शत्रुता करनी चाहिए। आगे कहते हैं, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, तुम में माने आप में और रघुपति मैंने राम जी में अंतर बहुत है। कैसा अंतर है, तो वो बताती है, खलु खद्योत निकर ही जैसा, दिनकर ही जैसा, खलु मैंने निश्चय ही, खद्योत होते जुगनू, जो एक पतंगा जो प्रकाश छोड़ता है, मैंने थोड़ा थोड़ा प्रकाश जिसमें से होता है, दिनकरे वो सूर्य के सूर्य जैसा, क्या कि आप क्या है, जुगनू के समान हैं और वे क्या हैं, सूर्य के समान हैं, इसलिए आप में और उनमें क्या है, अंतर बहुत है, इसलिए हमें उनसे शत्रुता नहीं करनी चाहिए। अब वो राम के का जो प्रभाव है, राम वास्तव में क्या है, उस बात को समझाते हैं। कहती है कि अति बल मधु कैटब जही मारे, अति बल मारे बहुत बलशाली, जिन्होंने मधु और कैटब का जो जो राक्षस थे, इन राक्षसों का क्या किया, इनको मारा, मधु और कैटब दो राक्षसों को जो अति बलवान थे, उन राक्षसों को मारने वाले ही कौन हैं, ये राम हैं। महावीर दिति सुत संघारे, महावीर महान वीर कौन, दिति सुत मैंने दिति के पुत्र, कश्यप ऋषि की पत्नी दिति है उनके पुत्र हैं, कौन, दो पुत्र जिनका संहार किया था, वो दो पुत्र थे, एक हिरण्याक्ष था और एक हिरण्यकश्यप था। वराह अवतार में राम जी ने हिरण्याक्ष का क्या किया था, संहार किया था, और नरसिंह भगवान के अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को उन्होंने मारा था। प्यारे बच्चों, वो जो हिरण्यकश्यप को मारने की का जो मास था, जो अधिक मास था, वो अधिक मास अब प्रारंभ हो चुका है, इस 18 अक्टूबर सितंबर से ही वह प्रारंभ हो गया था, ये जो समय है उसी अधिक मास का है, और हम पढ़ भी वही रहे हैं, है क्या, हिरण्यकश्यप का यहाँ पर अवतार, जो हिरण्यकश्यप को अवतार नरसिंह अवतार में लेकर के जिनको मारा था भगवान राम ने। आगे क्या है, जही बलि बांधी सहज बुझ मारा, जही बलि बांधी, जिसने बलि को बांध लिया, बलि कौन, राजा बलि था, दैत्यराज था बड़ा ही, परंतु उसमें उन्होंने वामन अवतार लेकर ही क्या कर लिया, बांधा, बांधी शब्द का प्रयोग किया, मैंने बांध लिया, कैसे, तीन वचन में बांधा था, तीन पग भूमि मांगी थी किस राजा बलि से, और उस तीन पग की भूमि में दो पग उनमें उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को क्या कर लिया था, नाप लिया था, और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। सहस्र भुज मारा, और परशुराम का अवतार लेकर के सहस्र बाहु
नामक जो राजा था शक्तिशाली, उस राजा को जिन्होंने मारा वे ही कौन हैं? ये राम हैं। सोई अवतेर अवतरु हरण मही भारा, और वे ही अवतार लेकर के क्या कर रहे हैं, इस धरती मही मैंने धरती के भार को हरण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रावण के आतंक से ये जो संपूर्ण धरती थी यह आतंकित थी, और इसी के आतंक से मुक्त करने के लिए भगवान राम का अवतार रूप में विष्णु भगवान स्वयं यहाँ आए हैं, और यह जो लंका जो नगरी है इसका विनाश होना वह तय है। तो क्या है कि सोई अवतरु, इस धरती के भार को हरण करने के लिए राम जी ने क्या किया है, ये अवतार लिया है। तासु विरोध कीजिए नाथा, तासु उनसे आप विरोध नहीं कीजिए हे नाथ, हे मेरे नाथ आप उनसे विरोध न करें, उनसे शत्रुता न करें। क्यों? काल कर्म जीव जाके हाथा, काल कर्म और जीव मैंने जीवन जिनके हाथ में है, समय भी जिनके हाथ में है, कर्म भी जिनके हाथ में है, जीवन भी जिनके हाथ में है, उनके हाथ में है, और ऐसे से हमें कभी भी शत्रुता नहीं करनी है। इसलिए हे नाथ हमें उनसे विरोध नहीं करना। और वह बार बार समझाने का प्रयास करती है और कहते हैं, क्या कहती है, रामई सौंपी जानकी नाई कमल पदमाथ, सुत कहूत राज समर्पी बन जाई भजे रघुनाथ। क्या राम ही सौंपी, राम को सौंप दे किन्हें, जानकी जी को, मैंने सीता जी को। कैसे, नाई मैंने नवा करके, कमल पद मैंने चरण कमलों में, माथ मैंने माता। क्या हे नाथ आप क्या करें, राम जी को, जानकी जी जो सीता जी हैं, आदर सहित आप उन्हें उन्हें सौंप दे, और राम जी के चरण कमलों के आगे झुक करके उन्हें क्षमा मांग ले। आगे कहते हैं, सुत कहूँ राज समर्पी, और सुत मैंने अपने पुत्र को राज क्या कर दो, समर्पी मैंने समर्पित कर दो। बन जाई भजिए रघुनाथ, और वन में जाकर के भजिए मैंने भजन करे, किसका, रघुनाथ उस राम के नाम का आप भजन करें। यह शिक्षा क्या है, मंदोदरी रावण को देती है कि आप इस राक्षस वंश का विनाश होने से बचा लें, और इसका एक ही उपाय है कि आप सीता जी को रावण जी राम के पास आदर सहित उन्हें भेज दें, उन्हें छोड़ दें, और उनसे क्षमा मांग लें, और उनका भजन करें, वन में जाएं। यहाँ पर जो मंदोदरी है अच्छी सीख दे रही है कि यह वृद्धावस्था है, और इस अवस्था में हमें अपने राज्य को त्याग करके वन में चले जाना चाहिए। इस प्रकार यह हमारा एक भाग है, क्योंकि हमारे कई चौपाइयाँ और कई दोहे इस अंक में संकलित हैं, तो यह हमारा पहला ही भाग था, और हम इसके कुल चार भागों में इस पाठ को पूर्ण करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।